करते हो? कैसे पहुंचो तुम? यह कैसे पहुंचो नहीं पता? काश ये फिल्म होती, फ्लैशबैक में पता चलता। ओए देख, ठीक है? हाँ, बैक टू स्पीड। चलो अब यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट टाइम है स्कर्दू में और इस वक्त हम जा रहे हैं कचूरा लेक। ये 2 घंटे की ड्राइव है शुगर फोर्ट से। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पीड बोटिंग, फिशिंग, तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं वहाँ। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि हमने इस तरफ जाना है। मुरू को लग रहा है कि उस तरफ जाना है। लेट्स सी कि कौन सही है। रेचल ने फिर से मुझे फोटो बॉम्ब, वीडियो बॉम्ब कर दिया। बट आई विल नॉट स्टॉप दिस टाइम, आई शैल प्रे। सो टर्न्स आउट हम दोनों गलत थे और हमने जो है ना वहाँ से नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है। वहाँ पर ट्रेल मार्क हुई हुई है, ये चाचा जी ने हमें पीछे बताया। So, let's see, अब हम वो ढूंढ सकते हैं। पहली बार कोई आ रहा है अपर कचूरा लेक पे, यहाँ पर रेड एरोज हर जगह लगे हुए हैं, उनको आप ढूंढना है। और अगर कोई कलर ब्लाइंड है तो अल्लाह मालिक है। ये है जी वो रेड एरोज, जगह जगह लगे हुए हैं। अनदर रेड एरो, रेड एरो। रेचल गलत जा रही हो, देखो रेड एरोज यहाँ पे लगे हुए हैं। ये रेड एरोज इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। फिशिंग बहुत ही पेशेंस वाला काम है। हम पिछले 20 मिनट्स बैठे हुए हैं और अभी तक कोई फिश नहीं पकड़ा। सो फैमिली वेकेशन के साथ फैमिली मीट फैमिली। हम 22 आवर्स के बेटा अब वो बेटा कौन है? बहन, बीवी, बीवी पीछे वो पीछे खाला, पीछे खाला जो के बहुत वेकेशनिंग के मूड में, रेड टोपी और मामू, खाला और मामू, खाला और मामू।
देखो रेड कुर्सियां पड़ी हुई लगी ऐसे रह मेरे शॉर्ट में कितने बोल रहा है मैं इस तरफ से मैं बाहर से वीडियो बनाऊंगा मुरु आज हम आपकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करते हैं मुरु ड्रोन शॉट ड्रोन नहीं सॉरी गोप्रो शॉट लेते हैं पानी के अंदर से देखो क्या क्या जाता है मतलब यार ठंडे पानी में हाथ डाला है ताकि वो शॉट आए यार वो पता नहीं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता कितनी देर से शॉट आएगा ये तो हमें भी नहीं पता वक्त बताएगा बट ओवरऑल स्कर्दू के लोग बहुत फ्रेंडली हैं और ट्रैवलिंग से मुझे आहिस्ता आहिस्ता प्यार होता शुरू हो गया मुरू ने मुझे वॉइस नोट भेजी कि मुझे तो लगा तुम्हें तो ट्रैवलिंग पसंद ही नहीं है मैंने कहा यार तेरे साथ उन जगह ट्रिप आया है ना बस और अगर आप देखें वो बसू वाला ट्रिप उसमें कहते हैं हाँ मैं कहता हूँ ट्रैवलिंग नहीं पसंद मुझे बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं मैं लड़की बन जाता हूँ हाँ मैं बिल्कुल लड़की मूडी मूडी लड़की बन जाता हूँ ओह सॉरी गुजराना जब मैं यार यहाँ पे तादाद ज़्यादा है क्या मतलब लड़की बन जाते हो इसका मतलब बेहतर हो जाते हैं हाँ फुल मून वाली लड़की फुल मून वाली लड़की वेयर लड़की मुरु हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं यार अब हम जा रहे हैं सोग नाला एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए कि प्लीज़ जो भी यहाँ पे विजिट करे स्कर्दू में दे हैव केप्ट इट वेरी क्लीन बहुत साफ रखा है कोई कचरा वगैरह नहीं गिरा है तो जो भी आए अपने साथ प्लीज़ अपने शॉपर्स लेके आएँ और जितने भी कचरा वगैरह करते हैं वो उसी में रखें ताकि जगह साफ रहे क्योंकि अगर खुद ही अपना कचरा उठा रहे होगे ना तो ये जगह कभी भी गंदी नहीं होगी क्योंकि झील सैफल में लू का तो बहुत बुरा हाल हो गया है मतलब वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे सारों ने जो है ना लिटरिंग की हुई कचरा गिराया हुआ प्लीज़ यहाँ इस जगह को साफ रखें और इसी तरह मेरी खूबसूरत रहेगी थैंक यू अभी जाके शुगर फोर्ट में चेक इन किया हुआ ये 1600 कितने बना 1634 बना हुआ है 450 साल पुराने फोर्ट है इसको फिर बाद में रेनोवेट किया एंड नाउ इट्स बिकम इट्स ओन बाय श्रीना होटल इट्स ओन बाय श्रीना होटल और यहाँ पे मैं आपको कमरे टूर दिखाता हूँ कितने ज़बरदस्त कमरे हैं एंड द व्यू सो लेट्स चेक इट आउट तो हम अभी जा रहे हैं मैंने बड़ी लंबी टेक दे दिया लेकिन हम अभी जा रहे हैं ऑर्गेनिक विलेज फ्रॉम शुगर फोर्ट सरीना और यहाँ पे पता नहीं ऑर्गन्स बिकते हैं मैंने सुना तो हम ऑर्गेनिक फार्म के करीब करीब पहुँच गए हैं ये एरिया है यहाँ से 40 मिनट्स का वॉक या एक घंटे का वॉक है डस्ट स्टॉर्म आ चुका हुआ है सो दो चॉइसेस हैं या तो गाड़ियों में बैठे क्योंकि मेरी नोज ब्लीड करना शुरू हो गई है बहुत ड्राइनेस की वजह से और या तो आप लोग के लिए फुटेज लेने 40 मिनट्स की वॉक की जाए आपको क्या लगता है कौन सी ऑप्शन बेहतर है
डस्ट में ट्रैवल करने के तरीके, कोई तरीका नहीं, बस मुंह बचा लो किसी भी तरीके से, सांस किसी तरह फिल्टर हो जाए ना सांस में से डस्ट, बस यही तरीका है। आंखें बचा लो और नाक, मेरी तो नाक विजिबल है, मुरू ने फिट किस्म की कवर की हुई है, इतनी कवर की हुई नाक पे, बाल होते हैं ना नाक के बाल वो फिल्टर करते हैं। मुरू ने इतना कवर कर लिया उसको रास्ता नहीं समझ नहीं आ रहा, कुछ तीन बार हुआ अभी जो है ना। स्टेडी ये बात तो, नासोक हम पहुंच चुके हैं कि नासोक हम जा रहे हैं और 40 मिनट की वॉक है। एंड द वीकेस्ट लिंक हम दो हैं, वो देखें सारे आगे निकल भी गए हैं। यू हिट अ डेड एंड, अब समझ नहीं आ रही है यहाँ से रास्ता कहाँ पे और मेरे मुंह में से मिट्टी जा रही है, मैं कोशिश करता हूँ मैं ऊपर यहाँ से जाऊँ। सो बेसिकली वो है रास्ता नासोक का और वहाँ से मैं फिर वहाँ से जो है ना रास्ता साफ है, मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, वेटिंग फॉर मुरू एंड रिच क्लाइम, मेक द क्लाइम, देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुत मुश्किल रास्ते और पूरा मुंह के अंदर मिट्टी जा चुकी है। دادا پختانو ٹریننگ دے فاٹا ٹریول ایریا کی مونږ غرونو دومره ختلی وچې ما دا کلائمټ وسه شین لګي یس سو ہیلتھ اینڈ ہیزرڈز کی وجہ سے ہمیں واپس وہاں سے آنا پڑا کز مور کڈنٹ میک دا کلائم سو وی ناؤ وی گونا لک فار ان الٹرنیٹیو روٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا سیف ہے کہ نہیں ہم پورا سرکل اراؤنڈ کریں گے دیکھتے ہیں دوسرا الٹرنیٹیو روٹ کہاں پہ لیکن یہ بتا دیں کہ ہم دیوسائی بھی بلاکڈ ہے ادھر بھی ہم نہیں جا پائیں گے لیکن چلیں جب آپ خود آئیں تو خود دیکھ لیجیے گا پھر ہمیں بھی دکھا دیجیے گا لو بھائی میں نے اور احسان نے تو ڈیسائڈ کر لیا کہ ہم دوسرا روٹ نہیں لے رہے اور ہم نہیں جا رہے ادھر کیونکہ ہمارا سب کچھ خشک ہو چکا ہے یہاں جائیں بہت مٹی تھی میرے منہ پتہ نہیں شاید تم لوگ نظر آ رہے کہ نہیں آ رہا چلے جاتے آ رہی ہے نظر آ رہی ہے ہاں چلے جاتے ہیں کیمرے کی بھی جو ہے نا بج گئی ہے ٹو بیڈ لیکن کیا لینس کلینر چلو آرگینک فارم تو نہیں ملا لیکن میں نے کہا یار آپ کو اس طرح تو نہیں جانے دیتے سو آئی فاؤنڈ دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ منٹھو کا واٹر فالز کچھ واٹر پروف کے پانی کو اندر سے ذرا بگلی شاٹ لینے کے لیکن یہ خراب ہوتی نہیں ہوتا اللہ دیکھ یہ تھا من کھوٹا واٹر فالس یہ 40 منٹس کی ڈرائیو ہے کپل پیلس سے اور اب ہم جا رہے ہیں کپل پیلس ٹو چیک ان
ट्रिप ऑलमोस्ट इख्तिताम पे आ गया एंड काफ़ी ज़्यादा सीखा है इस ट्रिप से मैंने. मुझे पता है आप लोग कहते हैं कि यार ज़्यादा बोला करें, व्लॉग नहीं है, आपने मूवी बना दी है इसमें आप बोल ही नहीं रहे, व्लॉग में ज़्यादा इंट्रैक्टिव होता है. सो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि ज़्यादा बोलने की, लेकिन मैं जब सिटीज़ को कवर कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ, क्योंकि उस सिटी की जो कवरेज होती है उसकी एसेंस को मैं ख़राब ना कर दूँ. बिकॉज आई डोंट नो, मुझे ये लगता है. लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम से मैं फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा बोलता हूँ और कितनी ज़्यादा कॉमेडी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ. सो आई ट्राई टू दैट ब्रिंग दैट इन और इसमें मैं करूँगा. अदर दैन दैट मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहा था कि यार बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएटर्स है बाय उधर भोलपुर में भी, पेशावर में भी, क्वेटा, कराची से हर जगह पे, लेकिन वो लोग जो है ना थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि हम शुरू कैसे करें. यार फ़ोन उठाओ, शुरू हो जाओ, लीड बाय एग्जांपल. दैट्स द ओनली मैसेज दैट आई विल गिव यू, कि खुद उठाओ करो और आप देखो आपके साथ पूरी टीम जुड़ जाएगी. एक को कहो कि यार यहाँ से कैमरा पकड़ो, इस तरह पकड़ो, खुद ही टीम. मेरी भी टीम इस तरह ही बनी थी, मैं शुरू की एना हैव अयाज मंगी, रिजवान मंगी, सालिहा, जैनब, नान, उमर गफ्फार, मेरोज गिलानी, एक टीम बन गई पूरी, ठीक है ना. तो आप करो, उठाओ दोस्तों को, यारों को डालो एंड एक स्पोर्ट की तरह से ट्रीट करो. ये नहीं कि बस करना है यार, बस किस तरह से शॉट लो, टेंशन भी नहीं आना, बस करो. सही गलत कोई भी नहीं है, मतलब आपका अपना स्टाइल होगा, किसी और का अपना स्टाइल होगा. जस्ट स्टार्ट, दैट्स इट. दैट्स द मैसेज आई वांट टू गिव यू गाइस. एंड अदर देन दैट आई थिंक आई ट्राई टू डू अ गुड जॉब ऑन द व्लॉग. अदर नहीं होता तो लीव अ कॉमेंट बिलो. मैं इस बार सारे इक्विपमेंट भी नीचे टैग कर दूंगा ताकि आपको पता हो. एंड फॉर द रिकॉर्ड, मैंने आईफोन से शुरू किया था ना, इतना सस्ता फोन नहीं, आईफोन भी काफ़ी महंगा था, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैंने फोन से स्टार्ट किया था और मैं उससे कॉन्टेंट बनाता टिल 2017. अब जाके मैं कैमरा से शिफ्ट हूँ. सो इफ यू हैव एन आईफोन और अ फोन और एनी फोन, पिक इट अप एंड स्टार्ट शूटिंग, खुद ही डेवलप हो जाएगा, खुद ही स्टोरी आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना. एंड जस्ट डू इट फॉर द फन ऑफ इट. लगा एक ही बारी हाथ रख. व्लॉग्स बनाना आसान नहीं होते भाई. टेटनेस तो इन रोड्स पे नहीं होता, समझो इस पे घोड़े चलते हैं उस पे टेटनेस होता है. नहीं, बट वो प्रिकॉशन भी यार में नहीं टिक्का लगाना. चलो ओके निकाल, कितना हुआ ये भी नहीं. आप क्या लगाने तो सुबह जो बाबा साईं सब चैनल के सब्सक्राइब क्यों, मजा बैठो.